दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जब से पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं तो हर आदमी अब बजट ओरिएंटेड बाइक खरीद रहा है या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहा है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है नई गाड़ी खरीदने का, लेकिन आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल गाड़ी को मैं कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी बना सकता हूँ, ये काफी लोगों का एक कंसर्न है। एंड इस चीज के ऊपर एक कंपनी उभर के आई है जिसका नाम है गोगो A1। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि किट बनाती है। वो किट है इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट, जिससे आपकी पेट्रोल गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट होती है। हालांकि ये इसका जो किट है फिलहाल अभी हीरो स्प्लेंडर के लिए आया है, बाकी कंपनियों में आने में थोड़ा टाइम है। लेकिन ये बोल रहे हैं बहुत जल्दी दूसरी गाड़ियों के लिए भी ये डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने हीरो स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो किट लगा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि लगा है और ये इलीगल है, इट्स अ लीगल और ये RTO अप्रूव्ड भी है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपका भी प्लान है या सोच रहे हैं कि मैं अपने पेट्रोल के पैसे डालते डालते मैं थक गया हूँ, मेरे को अच्छी रेंज की गाड़ी चाहिए, या तो मैं अपनी गाड़ी को कैसे इलेक्ट्रिक बना सकता हूँ, तो उसके लिए आपको ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नया तो करना क्या आपको पता ही ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है क्लिक कर देना, उसके सामने बेल आइकन है उसको भी दबा देना, नहीं तो ऐसे ही वीडियो से वंचित रह जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी ऐसा दौर आ चुका है जो पेट्रोल कार है वो चेंज हो रही है CNG में। जी हाँ दोस्तों, अभी सबसे ज्यादा जो कन्वर्जन हो रहा है वो कार में हो रहा है। जिनके पास पेट्रोल गाड़ी है वो दौड़ दौड़ के मैकेनिक के पास जा रहे हैं और CNG किट लगा रहे हैं। सोच सकते हैं अभी परिस्थिति कितनी बेकार है। उस हिसाब से टू व्हीलर में भी ऐसा चालू हो गया है, लेकिन CNG के लिए नहीं, फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर नया परचेस करना है तो अगेन आपको 1 लाख रुपए देना पड़ता है, या कम बजट की परचेस करते हैं तो उसमें इतना पैसा दो और उसके बाद उसकी गारंटी वारंटी उतनी नहीं है, रेंज उतनी नहीं है, तो आप उतना सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आज मैं बात करने वाला गोगो AI कंपनी के बारे में, जो अपने वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, उनके वेबसाइट भी बनी हुई है, वहां पे ऑलरेडी ये एक हीरो स्प्लेंडर को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर रहा है। एंड अभी जो इन फ्यूचर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही है। अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी नहीं है, नई गाड़ी आपको खरीदनी नहीं है, तो ये आप लगा सकते हैं। हालांकि इस किट की कॉस्ट है 35,000 बेस मॉडल, प्लस इसमें GST लगेगा 6,300 रुपीज का। जो किट में आपको मिलती है 3 साल की वारंटी। इसके अलावा आपको बैटरी पैक खरीदना पड़ेगा। बैटरी पैक अगर खरीदते हैं तो उसमें आपको रेंज मिलता है 151 का। जी हाँ, 151 किलोमीटर का आपको रेंज मिलता है सिंगल चार्ज में, और एंटायर किट और बैटरी कॉस्ट के साथ आपको पड़ती है 95,000 का। ये पूरा कॉस्ट है जो आप हीरो स्प्लेंडर पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डिस्क ब्रेक भी दिया जाएगा, और क्या क्या अपडेट होगा वो भी बता देता हूँ। इंजन वाला कंपार्टमेंट हटा दिया जाएगा, वहां पे बैटरी को यूज किया जाएगा, एंड जो आपका रियर व्हील है उसका भी डिजाइन चेंज होगा। आप बोल सकते हो नया व्हील लगेगा जिसमें हब मोटर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें हब मोटर मिलेगा। साथ ही साथ इसमें DC to DC कन्वर्टर दिया जाएगा, न्यू थ्रॉटल वायरिंग हार्नेस दिया जाएगा, की स्विच विद कंट्रोलर बॉक्स मिलता है, नया का नया स्विंग आर्म भी दिया जाता है जिससे रियर में हब मोटर लगा सके। और इसको अगर आपको बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। गोगो A1 कंपनी का नाम है, वहां पे जाकर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं गोगो AI कहां कहां इंस्टॉलेशन करता है। तो 36 RTO अक्रॉस कंट्री में ये एक्सपांड करने वाले हैं। कुछ जगह अप्रूवल बचा है, एक बार अप्रूवल आ जाएगा तो ये 36 जगह पे कर सकते हैं। अगर मैं कन्वेंशन किट की बात करूं तो उसमें मिलता है आपको 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी पैक और 2 किलोवाट का ब्रशलेस इलेक्ट्रिक मोटर मिलता है, जो कि हब मोटर की तरह रियर व्हील में होगा। अगर मैं इसके पावर आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पे 2.4 BHP का पावर आउटपुट मिलेगा, एंड जो टॉर्क करेगा वो रहेगा 63 Nm का टॉर्क मिलता है। एंड पीक टॉर्क की बात करें और पीक आउटपुट की बात करें तो 6.2 BHP, वो भी 4.6 किलोवाट के अगर मोटर अगर यूज करते हैं तो पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। मॉडिफाइड अगर हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो टॉप स्पीड क्लेम कर रही है गोगो AI कंपनी वो 80 किलोमीटर पर आवर, और जो रेंज प्रोवाइड कर रही है 151, यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी रीजनरेशन टेक्नोलॉजी जो कि कवर कर सकता है 5 से 20%
बैटरी का। तो ये ओवरऑल किट के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप इसके वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। यस, आप अभी फिलहाल हीरो स्प्लेंडर पे इसको लगवा सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं एक इलेक्ट्रिक बाइक डेवलप करने का, तो ये बहुत सही किट है आप जो लगा सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।